हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 46। तो डे 46 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं होमवर्क डे 45 का आंसर बता देता हूं आपको। तो इसमें जब भी आप हॉरिजॉन्टली फ्लिप करोगे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स इसकी पोजिशन चेंज हो जाएगी, है ना। इनकी पोजिशन चेंज हो जाएगी, ये बॉटम में है तो ये टॉप पे आ जाएंगे। ओके, और जो आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या है आपका, रिफ्लेक्शन अक्रॉस वर्टिकल लाइन है। तो अगर इसमें पूछ लेता वर्टिकल लाइन तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाता, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता। ओके ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये प्यारा सा क्वेश्चन था आपका, ये ऑप्शन ए करेक्ट। अगर वर्टिकल पूछा जाता आपसे तो आपका ऑप्शन डी हो जाता। ओके, 45 इज कंप्लीटेड, लेट्स जंप इन टू द डे 46। ओके सॉरी, जस्ट ओके, लेट मी चूज रेड वन। ओके सो लेट मी चूज समथिंग एल्स, लेट मी चूज, ओके। सो इसमें पूछा गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच क्वेश्चन फिगर विल कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर। ओके सो यहाँ पे ऑप्शन में से हमें यहाँ पे कौन सा फिगर सेट करें कि ये क्वेश्चन फिगर वो कंप्लीट कर ले। देखो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर देखो अंदर एक ना, एक आपका अंदर ना रेक्टेंगल बन रहा है बेसिकली, या फिर हम स्क्वायर बोल सकते हैं क्या। हाँ स्क्वायर सा ही बन रहा है, तो मैं पतला पेन ले लेता हूँ और सिमिलर कलर लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपका स्क्वायर बन रहा है ये, नहीं स्क्वायर बन रहा है आपका अंदर। ओके ओके, उसके बाद आपका ये बाहर भी एक स्क्वायर बन रहा है, जस्ट सेकेंड, बाहर से भी। ओके जस्ट सेकेंड, बाहर से भी आपका एक स्क्वायर सा बन रहा है, इसको ज्वाइंट करोगे, है ना। तो बट इसमें लाइन नहीं है, यहाँ अंदर लाइन नहीं है, तो इसमें लाइन है तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए तो गलत है ही है, तीन लाइनें सिर्फ जा रही हैं बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं अंदर बना पा रही, तो ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है ना, बी आपका करेक्ट है। क्यों, इसको ज्वाइंट करोगे अब आप ज्वाइंट करोगे तो क्या है कि अब तीन लाइनें हैं सिर्फ, है ना, तीन लाइनों की बात है। एक आपकी ये हो गई, एक आपकी ये हो गई और एक आपकी है बिल्कुल बीच में। ओके तो तीन लाइनें ये हैं, तीन लाइन इसमें ये है और छोटा सा ए भी। ओके तो बीच में एक स्क्वायर बन गया, उसके बाद एक रोम्बस टाइप का स्क्वायर ही बन गया है समथिंग। ओके सो ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके इट्स अ वेरी इजी एंड बेसिक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं गई होगी आपको, इस टाइप एक बार गेट में आए हुए हैं क्वेश्चन। ओके चलते होमवर्क की ओर, बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन है आपका। होमवर्क का भी क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि कौन सा फिगर आएगा। ओके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।